सामने प्यारे बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, दानिश स्कूल सिस्टम मुल्तान की तरफ से। बच्चे आज हमने क्लास 10th की बायोलॉजी के चैप्टर 14 से लेक्चर नंबर 15 पढ़ना है। आज के बच्चे जो हमारे पढ़ने टॉपिक है, टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं उसमें छोटे छोटे टर्म्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और पार्टिकुलेशन। एक एक बुक करके पढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? उसे फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, जिससे फ्रेगमेंटेशन में जो हेयर होते हैं बम्स के अंदर और प्लेनिंग के अंदर। बम्स क्या करते हैं बच्चे? वर्ग अपने साइज को पहले ग्रो करते हैं, अपने साइज को बढ़ाते हैं, उसके बाद वर्ग क्या करते हैं 8 से 2 टुकड़ों में क्या होते हैं टूट जाते हैं, और ईच फ्रेगमेंट जो है 8 टुकड़ा जाता है वो नए वर्ग में क्या करता है ग्रो करते हैं। सेम इसके अंदर दोनों के अंदर एक ही कंडीशन होती है कि ग्रो की साइज अपना बड़ा करते हैं, उसके बाद ये बनाए फ्रेगमेंट्स के पीसेस के अंदर टूट जाते हैं। इसके अलावा हर फ्रेगमेंट हर पीस जो है वो अपना नया जो ऑर्गेनिज्म वो बना देता है। प्लेन एरिया की अगर हम प्लेन एरिया अगर प्लेन एरिया के अंदर हमें बच्चे पानी पीछे बढ़ाता, अगर प्लेन एरिया 2 हिस्सों टूट रहा हो और वो हर हिस्सा क्या करें एक नया प्लेन एरिया बना रहा हो तो उसको कहते हैं बायोलिटेशन। अगर प्लेन एरिया 2 से ज़्यादा हिस्सों टूटे और हर हिस्सा क्या कर रहा हो एक हर फ्रेगमेंट एक नया प्लेन एरिया बना रहा हो तो इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगर एक प्लेन एरिया 2 से ज़्यादा हिस्सों में कर रहा हो टूट रहा हो और हर हिस्से से एक नया प्लेन एरिया बन रहा हो तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरी टर्म है बडिंग। बडिंग क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या होता है एक आउटग्रोथ बड बनती है। सबसे पहले क्या होता है एक बड बनती है बॉडी के ऊपर। दूसरा क्या होता है जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस होता है सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस होता है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस क्या होता है डिवाइड होता है। जैसे हम एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल बडी के अंदर से यीस्ट वायरा और प्रोटोज के अंदर होती है। अब यीस्ट जो कि क्या है यूनिसेलुलर है और ये यूकेरियोट है, ठीक है। यीस्ट यूनिसेलुलर और यूकेरियोट है इनके इसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर मौजूद होगा। इसमें जो बडी होगी तो यीस्ट क्या करेगा सबसे पहले अपना साइज बड़ा करेगा, साइज बड़ा करने के बाद ये क्या करेगा अपनी बॉडी को बनेगा आउटग्रोथ इनके बड बनाएगा। बड बनने के बाद उसे क्या होगा इसका न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी और एक जो डॉट न्यूक्लियस होगा वो बड के अंदर चला जाएगा। डॉट न्यूक्लियस बड के अंदर चला गया अब फिर कंडीशन 2 हो सकती है, या तो क्या करे या ये बड साइज ग्रो करके बॉडी से अलग हो जाए और एक नया क्या कर दे नई यीस्ट बना दे, या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि बड बॉडी के साथ अटैच रहे क्या करे कॉलोनीज फॉर्म करे, ठीक हो गया। बडिंग के अंदर ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बड जो पेरेंट बॉडी है उससे अलग हो जाए या पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहे कॉलोनीज फॉर्म करे, ठीक हो गया बच्चे। बडिंग क्या होती है हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा के अंदर भी वैसे ही होती है, हाइड्रा के ऊपर एक आउट ग्रोथ बड बनती है, बड फिर क्या करते हैं ग्रो करते हैं और हर बड से फिर क्या होता है एक नया हाइड्रा बन जाता है, हाइड्रा के अंदर फिर से अलग हो सकता है। कोरल से जो बच्चे बडिंग होती है ना वो क्या होता है बडिंग तो वैसे ही होती है कि अपने पार्ट के ऊपर आउट ग्रोथ बनी, आउट ग्रोथ बनने के बाद उसने साइज में ग्रो किया और उसने नया कोरल बना लिया, लेकिन ये कभी भी डिटैच नहीं होती क्योंकि आगे जो कोरल होते हैं बच्चे ये बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाते हैं। कोरल की बडिंग के अंदर डिफरेंस ये है कि बड ऑफ कोरल डू नॉट डिटैच फ्रॉम बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड मेक कॉलोनीज, और ये क्या करते हैं कॉलोनी फॉर्म करते हैं। इसके बाद बच्चे अगला हमने पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होती है 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक फंजाई जिसे राइजोबस कहते हैं और दूसरा बैक्टीरिया के अंदर। पहले फंगस को देख लेते हैं। फंगस की बॉडी जब राइजोबस जब मेरे बच्चे अपनी क्या देखिए प्रोडक्टिव एज तक पहुँचती है तो एक स्ट्रक्चर बना के थीक वाल स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। उस स्ट्रक्चर को उस थीक वाल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोर एंजिया। उन्होंने कहा कि जब राइजोबस अपनी प्रोडक्टिव एज तक पहुँचती है तो क्या करती है एक थीक वाल स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या करने स्पोर बन जाते हैं वो बनाती है, उसे हम कहते हैं स्पोर एंजिया। स्पोर एंजिया के अंदर का बच्चे एक साइड होता है वो मैनी टाइम डिवाइड होता है और वो क्या बना देता है स्पोर बना देता है। जब इन अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं बैक्टीरिया लाइफ के 2 कंडीशन है बच्चे, एक स्पोर कंडीशन और दूसरी कहते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव बैक्टीरिया उस वक्त होता है जब बैक्टीरिया का होता है अपनी डेवलपमेंट कर रहा होता है नई बैक्टीरिया बना रहा है। स्पोर उस वक्त होती है जब बैक्टीरिया क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन होती है और बैक्टीरिया क्या करता है अपना साइटोप्लाज्म और अपना बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो एक थिक वॉल के अंदर क्या कर लेता है स्टोर कर लेता है और उसके बाद से स्पोर बना लेता है। बैक्टीरिया जब इन अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं स्पोर बना लेते हैं। वो स्पोर क्या जब क्या कहते हैं वो स्पोर बॉडी के अंदर रहते हैं जब
स्कोर क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, स्कोर से फिर क्या करते हैं, फिर दोबारा बैक्टीरिया ग्रो करता है। अब ये स्पोर जो कि बैक्टीरियल बॉडी के अंदर बन रहे बच्चे, तो इसलिए हम इन्हें कि हम इन्हें एंडोस्पोर कहते हैं। लास्ट वाला इसमें से बच्चे वो है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस होती है फिशेज में, फ्रॉग्स में और इंसेक्ट्स में। हम एग्जांपल लेते हैं इंसेक्ट्स यानी कि हमें भी की। सो इन पर पार्थेनोजेनेसिस तो देखते ही होती क्या है, अगर कोई एक एक एग जो अनफर्टिलाइज रह गया, अगर अनफर्टिलाइज एग क्या करे, एक नया इंडिविजुअल नया ऑर्गेनिज्म बना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इस टाइप की जो प्रोपिगेशन है यानी प्रोडक्शन है, उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है कि अगर एक एग अनफर्टिलाइज रह गए, फर्टिलाइजेशन जिसके नाम भी हो, वो एग नया ऑर्गेनिज्म बना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस क्या, अनफर्टिलाइज एग डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब हमने कहा कि फिश फ्रॉग और सेक्स को तीन सेक्स के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हनी बी हो गया। हनी बी बच्चे क्या करते हैं, एग ले करते हैं। एग ले के बाद दो कंडीशन होती है, या तो एग फर्टिलाइज हो जाता है मेल बी से, या क्या करते हैं अनफर्टिलाइज हो जाता है। अगर एग क्या होते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, डिप्लॉयड मेल या डिप्लॉयड न्यू क्वीन या डिप्लॉयड फीमेल वर्कर भी बनाते हैं। अगर एग फर्टिलाइज हो गए, उन्होंने डिप्लॉयड न्यू क्वीन बना दी या डिप्लॉयड न्यू फीमेल वर्कर भी बना दी। अगर एग रह गए बच्चे अनफर्टिलाइज, तो क्या होता है, उनसे हैप्लॉइड मेल ड्रोन बनते हैं। अब हमें बच्चे इसमें समझ आया है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आज टाइप पढ़नी है कि इसमें प्रोपगेशन, बर्डिंग, स्पोर्ट फॉर्मेशन और पार्थेनोजेनेसिस। इसमें से बच्चे आपको कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।